हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रिस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिस्टिंक्शन का ये हमारा लास्ट केस होगा। हमने ऑलरेडी बहुत तरह की चीज़ें कवर कर ली हैं। तो दोस्तों, इसमें हुआ ये केस है CIT वर्सेस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, 2007 का केस है और एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगेगा। ये इसका असेसमेंट ये है 1991 से 92 और इसलिए अकाउंटिंग एक साल पहले जो है। तो दोस्तों, इसमें हुआ ये था कि ये जो असेसी कंपनी थी उसने कुछ शेयर्स इशू किए थे, फ्रेश शेयर्स, और कुछ बोनस शेयर्स इशू किए थे। तो इसमें हुआ ये कि अब ये जो इसने एक्सपेंडिचर लगाया था इशू करने में, वो किस में, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, ये एक केस था डालमिया मिल्स लिमिटेड केस। तो जस्ट वन सेकेंड, ये डालमिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो उसमें ये तो क्लियर है कि जो फ्रेश शेयर्स है उसमें फ्रेश शेयर्स है, सपोज मैंने शेयर मार्केट में मुझे कैपिटल आए और उससे मैं अपना फिक्स्ड एसेट बढ़ाऊंगा, अपनी प्रॉफिट में जो प्रॉफिट अर्निंग जो मशीन है उसको बढ़ाऊंगा। तो जो फ्रेश शेयर के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, बट फॉर बोनस शेयर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो बॉम्बे और कैलकाटा हाईकोर्ट कहते थे कि ये लोग ये यहाँ पे इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का कहना था कि नो, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? फॉर द सेम आर्ग्यूमेंट कि इससे, उनका कहना था कि बोनस शेयर से भी आपका कैपिटल बढ़ेगा, आपके मतलब आपकी टेंडेंसी टू यूज दैट मनी फॉर अक्वायरिंग एसेट बढ़ेगी और इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो दोस्तों, जस्ट फॉर हम एक दो केस बस नाम लिख लेते हैं याद रखने के लिए। तो दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट का जो केस है CIT वर्सेज मिहिर टेक्सटाइल्स लिमिटेड और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का केस है वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड वर्सेज CIT। इन दोनों में यही कहा गया था कि बोनस शेयर के लिए भी कोई बोनस शेयर इशू करने का भी जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसमें ये कहा, इसमें इनका वही आर्ग्यूमेंट था, बट कोर्ट ने फाइनली इसमें ये कहा बाई फॉलोइंग द जजमेंट ऑफ बॉम्बे एंड कलकत्ता हाई कोर्ट, और उसको अप्रूव किया कोर्ट ने इसमें, और इन दो जो गुजरात और आंध्र प्रदेश को, इट सेड कि दे आर रॉन्ग, इट ओवररूल देम। तो यहाँ पे ये कहा, और अल्टीमेटली डालमिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का रेशियो ही यूज़ किया कि जो भी आपकी जो भी कैपिटल बढ़ेगा आपका, तभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो इसमें कोर्ट एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है कि सपोज आपकी वर्किंग कैपिटल कुछ लेट से एक्स है और आपके रिजर्व सपोज वाई है। तो सपोज जब आपने बोनस शेयर इशू करते हैं तो वाई का ही कुछ पैसा आप एक्स में डाल देते हैं, रिजर्व से कुछ पैसा कैपिटल में डाल देते हैं, प्रीपेड शेयर कैपिटल, लेकिन जो आपकी जो टोटल जो है वो तो सेम ही रखती है। तो इसलिए कोई यहाँ पर नया कैपिटल नहीं आया और इसलिए आपके नए एसेट लेने की टेंडेंसी या नए फिक्स्ड एसेट बढ़ाने की टेंडेंसी नहीं बढ़ी है। ऑन दी अदर हैंड, जब शेयर इशू, फ्रेश शेयर इशू करते हैं तो आपका कैपिटल एनहांस हो जाता है और इसलिए आपके एसेट बढ़ाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब एसेट अक्वायर करने की आपकी एपेटाइट या टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए बोनस शेयर इशू करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो इसमें और उसके बाद फर्दर एक वुडक्राफ्ट कंपनी जो कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है जिनको इसने अप्रूव किया, वो था वुडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड कलकत्ता हाईकोर्ट, जिसने भी यही रीजनिंग दी थी कि बोनस शेयर करते वक्त हमारा टोटल कैपिटल जो है वो एनहांस नहीं होता है। तो इसलिए बोनस शेयर को इशू करने का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसलिए वो डिडक्टिबल होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 प्लस 15। यही नहीं दोस्तों, ये 1922 एक्ट में था। अब ये 19 यहाँ पे है हमारा 1961 एक्ट, क्योंकि ये दो इसका असेसमेंट किया था 1991-92। तो ये एक दूसरे सेक्शन जो उसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन है इस एक्ट में, उसमें डिडक्टेबल होगा। तो आई होप दोस्तों ये केस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।